पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की वजह से दुनिया में प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इसी वजह से साइकिल की उपयोगिता वापस बढ़ी है। नीदरलैंड जैसे देश में साइकिल को काफ़ी बढ़ावा दिया गया है। साइकिल को आम आदमी का वाहन भी कहते हैं। आज के दौर में साइकिल की उपयोगिता कम जरूर हो गई है, लेकिन खत्म नहीं हुई है। ऐसी एक साइकिल के इतिहास को हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। हरक्यूलिस साइकिल एंड मोटर लिमिटेड कंपनी का मालिक एक ब्रिटिश साइकिल निर्माता था। इस कंपनी की स्थापना 9 सितंबर 1910 को इंग्लैंड के एस्टन में हुई थी। हरक्यूलिस नाम को स्थायित्व और मजबूती के संघों के लिए चुना गया था। कंपनी की स्थापना एडमंड और हैरी क्रेन ने की थी और इंग्लैंड के बर्मिंगम के कोवेंट्री स्ट्रीट में जीवन शुरू किया था। शुरुआती एक हफ्ते में 25 साइकिलों का उत्पादन किया गया। शुरुआती दौर में हरक्यूलिस को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, लेकिन जल्द ही कंपनी ने बिक्री के नए आयाम बनाए। इसके बाद उत्पादन जारी रहा और 30 के दशक के अंत तक हरक्यूलिस ने 6 मिलियन से अधिक साइकिलों का उत्पादन किया और दुनिया में साइकिल का सबसे बड़ा निर्माता होने का दावा किया। इसके बाद कंपनी ने विश्व के पटल पर अपना विस्तार किया, जिसके बाद साल 1949 में भारत में भी हरक्यूलिस साइकिल का निर्माण किया जाने लगा। इस साइकिल में मजबूती को केंद्र मानकर इसको साधारण तरीके से डिजाइन किया गया। इस साइकिल पर हरक्यूलिस नामक योद्धा का लोगो लगा है, जो कि मजबूती और स्थायित्व का प्रतीक माना जाता है। भारत में यह साइकिल आम लोगों की पहचान बनी। उस दौर में हरक्यूलिस साइकिल की प्रसिद्धि समय के साथ साथ बढ़ती गई। हरक्यूलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपना विशेष प्रभाव छोड़ा, जिसके कारण हरक्यूलिस को उस दौर में भारतीय धरती पर विशेष स्थान मिला। ग्रामीण क्षेत्रों में यह साइकिल एक अलग चाव के साथ खरीदी जा रही थी, क्योंकि इसकी मजबूती ने गाँव की उबड़खाबड़ सड़कों पर लोगों का साथ एक सच्चे साथी के रूप में दिया। समय के साथ साथ हरक्यूलिस साइकिल में बदलाव किया गया। नई और आकर्षक डिजाइन वाली साइकिलों को मार्केट में लाया गया। हरक्यूलिस साइकिल का अपग्रेड आज भी जारी है। पहले कभी पैडल से चलने वाली साइकिल हुआ करती थी, उसके बाद इसमें गियर जैसी सुविधाएं भी दी गई। कई तरह के धातु से साइकिल को बनाने का काम चलने लगा, क्योंकि अब जमाना डिजिटल हो रहा है, इसलिए आज की साइकिलों पर भी इसका असर दिख रहा है। आज के ज़माने में हरक्यूलिस कंपनी इलेक्ट्रॉनिक साइकिल बनाने लगी है, जिसमें डिजिटल तकनीक का प्रयोग होता है। दोस्तों, हालांकि वर्तमान समय को देखते हुए हरक्यूलिस साइकिल ने अपग्रेडेड साइकिलें मार्केट में निकाली है, लेकिन शुरुआती समय में चलने वाली हरक्यूलिस साइकिल को याद कर आज भी लोग आनंद का एहसास करते हैं। तो दोस्तों, यह था शानदार हरक्यूलिस साइकिल का इतिहास। दोस्तों, अगर आपने साइकिल की सवारी का आनंद लिया है तो अपना अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके।